कुछ पलों के लिए मुझे गलत फहमी हो गई थी कि आप मेरा प्यार है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आप में और मुझ में, हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं बबल जी, ये बात मैंने स्वीकार कर ली है। और जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर ले, आपके लिए सही होगा। अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आप शादी कर लीजिए। ले भाई बब्बल, चुन ले भाई। दिल्ले, अरे फोटो गिन के क्या करेगा, इसको बोल की फोटो देख और लड़की चुन ले अपने लिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ, यह क्या है ये सब। अरे लड़कियों के फोटो हैं, देख इच्छा की शादी तो लगभग होली, अब तू अपनी शादी के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच ले। देख बब्बल, मैं तुझे समझाता हूँ। देख क्या है कि घर का एक बेटा कुंवारा रहे बात समझ में आती है, लेकिन घर के दो दो बेटे कुमार है ना। ना बब्बल, तू शादी कर ले, देख वहां इच्छा खुश, यहां तू खुश, और हम तो वैसे ही खुश। देख ले फोटो। भैया मुझे कोई फोटो वोटो नहीं देखनी है, आप प्लीज जाइए ऐसे, प्लीज। अरे देख ले ना, कोई तो पसंद आ जाएगी। देख छोटे, तेरा दर्द हम जानते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी घाव हो ना, उसमें समय रहते मरम पट्टी कर लेनी चाहिए। देख तू शादी करेगा, अपनी गृहस्थी बसाएगा, तो इच्छा को भूलने में तुझे आसानी होगी ना, वरना ऐसे तो तू देवदास बन जाएगा मेरे भाई। देख देख ले भैया यार। अरे देखना, देख ले बबल। कोई पसंद आई? अरे स्कर्ट वाली कैसी लगी तेरे को? अच्छी है भैया। अरे बबल, ये लंबे बालों वाली कैसी है? अच्छी है भैया। अरे वो छोड़, ये घुंघराले बाल वाली कैसी लगी तेरे को? अच्छी है, अच्छी है। वो गाल पे तिल वाली कैसी है? अच्छी है। रे तू क्या कर रहा है, सबको अच्छी अच्छी बोले जा रहा है, देख भी रहा है, क्या कर रहा है तू? सब पसंद आ गई क्या तुझे? सबसे शादी करेगा क्या तू? अरे मुझसे तो एक ना संभल रही, ये इतनी सारी कैसे संभालेगा। छोटे मुझे लग रहा है इसका मूड ठीक ना है, अभी बाद में आते हैं। ठीक है, चल भाई आते फिर दोबारा। पीली ड्रेस इच्छा, एक बार और सोच ले बेटा, सोचने का वक्त चला गया है माँ। अब तो युद्ध होगा, महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन ही क्यों? माँ आप तो जानती हैं, महाशिवरात्रि शिव जी का त्योहार है। उस दिन शिव जी की कृपा हम पर जमकर बरसती है। हम नागों की शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती है, उस दिन हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हम इसी बात का फायदा उठाकर उस मयूरेश को अपनी चाल में फंसा लेंगे। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुनो, महाशिवरात्रि के दिन जब सारी दुनिया पूजा और भक्ति में लीन होगी, एक बार मयूरेश हमारे हाथ आ जाए, हम उसे सीधा नागिस्तान ले जाएंगे और उसका फैसला फिर वहीं करेंगे। अच्छा तुम्हें लगता मयूरेश इस जाल में फंसेगा? बाकू, सच्ची लगन हो तो सपने साकार होते हैं, और इरादे नेक हो तो रास्ते आसान होते हैं। इच्छा, मुझे तेरी सूझबूझ और योजना पर कोई संदेह नहीं है। तूने सोचा है तो सही ही सोचा होगा, पर मेरी सपोली, मुझे तेरी चिंता हो रही है। तू हर बार की तरह इस बार भी अपनी जान जोखिम में डालेगी, और हर बार की तरह सही सलामत लौट भी आऊंगी। माँ आप ही कहती हो ना, कुछ बातें जन्म से मौत तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहती है। संघर्ष मेरी जिंदगी का ऐसा ही हिस्सा है। माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद के एक हाथ में हजारों हथियारों की ताकत होती है। बबल, बबल मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? एक कहानी सुनानी थी। कभी तुम पहाड़ी वाले मंदिर गए हो? वहां से गुजरते हुए लोगों को देखा है? उनके हाथ में ना प्रसाद का लड्डू होता, और उस लड्डू पे बंदरों की नजर होती। बेचारे बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन लड्डू उसे ही मिलता है जो उस लड्डू का हकदार होता है।
तुम्हें देख के मुझे आज उन बंदरों की याद आ गई। मेरा मतलब कि इच्छा प्रसाद का लड्डू खाने वाला मैं और तुम बंदर। और तुमने सुना ना कि इच्छा ने मुझसे शादी के लिए हां कर दी, अब वो मेरी होने वाली पत्नी। कोई भी ऐरा गैरा इच्छा के आसपास भी फिर के वो मुझे पसंद है। आज से अभी से तुम इच्छा से दूर ही रहना। अभी इच्छा की शादी होने में 72 घंटे बाकी है और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इसी परिवार का हिस्सा है, तो उस हिसाब से ऐरा गैरा मैं नहीं तुम हो। बब्बल जी क्या करें आप, छोड़िए इसे। इच्छा, यहां तुम्हारे होने वाले पति का अपमान हो रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है और तुम खड़ी खड़ी देख रहे। मुझसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें आना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? यही कि मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है और इसका बदला तुम लोगे। मतलब ये कि थप्पड़ मारो बब्बल को और ये साबित कर दो कि तुम अपने होने वाले पति की बेइज्जती, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मारो थप्पड़। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बब्बल जी छोड़ दीजिए, बब्बल जी आप समझिए बात को। बब्बल जी बब्बल जी बब्बल जी छोड़िए, बब्बल जी कम से कम आप तो अगर मैं चाहूं तो मैं इस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये इस घर के संस्कार नहीं है और दूसरा ये कि किसी लड़की पे हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी साबित करने का मुझे कोई शौक नहीं है। और एक और बात, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती कोई ना करे। पहलवान की औलाद हो, अगर पटकने पे आऊंगा ना तो तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बब्बल जी अब तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, तुम जो चाहते हो जैसा चाहते हो सब कुछ हो रहा है, फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? इच्छा, एक एहसास दिलाना था तुम्हें। कैसा एहसास? यही कि आज के बाद जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे ऐसा ही सबक मिलेगा, मेरे हाथों या फिर तुम्हारे हाथों। और एक बात कहूं, आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तुमने मेरे एक बार कहने पे बबल की पूरी अकड़ी उतार दी। शादी कर रही हूं मैं तुमसे, अर्धांगिनी हूं मैं तुम्हारी, अब जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है,
जो तुम चाहते हो वही करूंगी। पक्का? अब भी शक है, लेकिन एक बात है मयूरेश, गृहस्थी में ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बोलो क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी। कुछ भी आजमा के देख लो। वक्त आने दो, आजमा लूंगी। इच्छा, जब तक मुझे प्यार के बदले प्यार मिलेगा, समझ लो जिंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने का, वो तो अब नहीं होगा मयूरेश। मैं अपने हिस्से का प्यार साबित कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी। आज तो वाकई कमाल हो गया। इच्छा को इतना मजबूर हमने आज तक नहीं देखा। जिस बब्बर को बचाने के लिए इच्छा ने अपनी आधी जान तक लुटा दी थी, आज उसी बब्बर पर उसे अपना हाथ उठाना पड़ा। मानना पड़ेगा मयूरेश को, यह सब उसी का किया धरा है महारानी। काश ऐसा शातिर और ऐसा होनहार कोई हमारा सेवक भी होता, लेकिन नहीं, हमारे यहां तो सिर्फ भगोड़े भरे पड़े हैं। माफ भी कर दीजिए महारानी, मुझसे गलतियां हुई हैं, पर अब दोबारा नहीं होंगी। आप आदेश दीजिए, मैं अभी जाके उस इच्छा को। नहीं, हमें अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन महारानी यही सही वक्त है, इच्छा कमजोर है, टूट रही है, हल्का सा भी वार उसे खत्म कर देगा। जो भी हो, हम अभी इच्छा को नहीं मारना चाहते। मजा आ रहा है उसे तड़पता हुआ देखकर, तड़पने दो, रोने दो, कोसने दो खुद को। वो इस वक्त अपने आप से लड़ रही है, लड़ने दो। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, उस दिन हम अपना दांव खेलेंगे। जाओ ऐसे। बबल जी, मुझे इच्छा मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा, चली जाओ। मैं जानती हूँ, बस एक बार, एक आखिरी बार मुझे अपनी बात कहने दीजिए। I'm sorry बबल जी, मुझे माफ कर। अरे कितनी गलतियों के लिए कितनी बार माफी मांगूंगी तुम? नहीं बबल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? अभी कुछ देर पहले हुआ वो, मैं बस झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही थी। इसलिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे? क्यों इच्छा, मेरी क्या गलती थी? ऐसे मैंने क्या कर दिया जो? बबल जी आप बैठिए, मैं आपको। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया इच्छा। अब तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बबल जी आप निकलो यहाँ से। बबल जी एक बार, बबल जी इच्छा की शादी में मैं जलेबी डांस करूंगा। खड़ा दादी जी। प्रणाम। अच्छी तरह। प्रणाम प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। शादी के सिलसिले में? हाँ छोरा, हमारे पास 3 दिन हैं और 3 दिन में 3 रस्में, कल हल्दी, परसों मेहंदी और तरसों शादी। दादी जी आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, और आप शादी की तैयारियों की फिक्र मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम बाहर से कारीगर मंगवा लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है छोरे, लेकिन मेहमानों का क्या करेगा? तेरे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, उन सबको तो बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, इच्छा का तो कोई आगे पीछे भी ना है, जो भी है हम ही लोग हैं। शादी की सारी रस्में खड़क करेगा, कन्यादान भी खड़क करेगा, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए थारे परिवार से लोगों को भी बुला ले। आ जाएंगे दादी जी, सब आ जाएंगे। जैसे ही इच्छा ने शादी के लिए हाँ कहा ना, मैंने सबको फोन कर दिया, कल तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए।
अप्पू यहाँ भी नहीं है। क्या हो गया छोरी, तू तो इतनी हैरान परेशान क्यों घूम रही है? दादी जी अप्पू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे खेतों में गया होगा खेलने के लिए, आ जाएगा। छोरा बड़ा हो गया है तो फालतू में उसकी चिंता मत करा कर अब। लेकिन पिताजी। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, उसके कान पकड़ के लेके आऊंगा। खुश बबल जी, आज आप पर हाथ उठाकर जितना दर्द मैंने आपको दिया है उससे कहीं ज्यादा दर्द मैं बर्दाश्त कर रही हूं। मैं जानती हूं मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन और कोई चारा नहीं था मेरे पास। जान को उस वक्त खतरा था, वो मयूरेश आपको जान से मार डालता, इसलिए मैंने लेकिन अब और नहीं, मैं बहुत जल्द उस मयूरेश को इस घर से, हम सब की जिंदगी से बाहर फेंक निकालूंगी। इच्छा आज तो हद हो गई, तुमने बबल को। मयूरेश ने मुझसे बबल जी को थप्पड़ मरवाया है, अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। लेकिन कैसे, कुछ सोचा है क्या करना है, कैसे करना है? अब मैं अपना दूसरा दाव खेलूंगी। इच्छा पहेलियां मत बुझाओ, तुमने पहला दाव कब खेला? जो वाकू मयूरेश को शादी के लिए हाँ बोलना ही मेरा पहला दाव था, अब दूसरा दाव, इसे खेलने में तो और भी मजा आएगा। तू एक काम कर, एक ग्लास दूध लेकर आ। ओह दूध, इच्छा जी शायद आप भूल गई हैं, मैं इस घर में छुप कर रहता हूँ, इस तरह सरेआम सबके सामने दूध लेने जाऊंगा ना तो 100 नजरें उठेंगी और 1000 सवाल, इसलिए तुम जाओ और दूध लेके आओ। लेकिन पहले यह बताओ इस दूध से क्या होने वाला है? बहुत कुछ। सही जा रहे हैं ना? शत प्रतिशत। ठीक है तो मैं चलती हूँ अपने नए अभियान पर। अरे अप्पू कहाँ था तू? ममता दीदी कब से तुझे ढूंढ रही थी। अप्पू कितनी बार कहा है तुझसे घर से बाहर जाते वक्त किसी को बताकर। अप्पू अरे से क्या हो गया? मयूरेश लो दूध। दूध मेरे लिए? हाँ, अब और किसके लिए लेके आऊंगी? ये भी कोई पीने की चीज है? ऐसा मत कहो, जिसे तुम प्यार करते हो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा मोर दूध नहीं पीते तो फिर मैं कैसे? मेरे लिए भी नहीं पियोगे? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा तुम्हारे लिए वो करूंगा, एक ग्लास दूध की बात आ गई तो क्या हुआ? मुझे शक हो रहा है, कहीं ये दूध पिलाने के बहाने तुम कुछ। मयूरेश जो प्यार करते हैं वो शक नहीं करते, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। और वैसे भी अब तो ये साबित हो गया है ना कि मैं ना तो तुम जितनी चालाक हूँ और ना ही ताकतवर, तो तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? मयूरेश तुम शादी की बात करते हो, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की बात करते हो, और फिर जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जाती हूँ तो तुम्हें लगता है धोखा है। दिलों में शक हो तो वो कभी एक नहीं हो सकते। ये लो दूध पी लो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.